मैंने जस्ट अभी कंघी की थी, 3-4 रील बनाई थी इस ड्रेस में, आप लोगों ने देखा होगा है ना। अब मैं जा रही हूँ कृष्णा को लेने, और देखो कितना दिक्कत होता है मुझे कि चलो कोई नहीं, ये तो मेरा ही काम है, बिकॉज कुछ लोग कहेंगे, बट फिर भी मैं अपनी फैमिली मेम्बर से तो बात कर ही सकती हूँ। जो लोग परेशान होते हैं मेरे से, उनसे नहीं बात कर रही हूँ मैं। हाँ, मेरी रेमेडीज फॉलो करेंगे, मेरी चीज़ों को फॉलो करेंगे, बट मेरी तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं समझते हैं ना, तो उनसे मैं बात नहीं कर रही हूँ। वो सो रही है वो, है ना, उसको सोते हुए मुझे उठा के लेके जाना है। और अभी आप देखो, मैंने ये 10 मिनट रख करके कंघी करी है प्रॉपर, ऐसे ऐसे बताऊंगी आप लोगों को। और देखो कितने सारे बेबी हेयर्स आए हैं, है ना। और आज नेल आर्ट की वीडियो शेयर करूंगी आप लोग के साथ में। तो चलो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी, नेल आर्ट डाल दूंगी इसमें, फिर ख़त्म करूंगी इस ब्लॉग को, फिर आगे का शूट करूंगी, क्योंकि ना कृष्णा को खाना वाना खिलाना है, स्कूल से लेकर के आ रही हूँ, तो कुछ उठा के लेके जाना पड़ेगा। ये देखो जी, चलो चलो ठीक है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बाय। क्या करके आया स्कूल से? पहले मुंह दिखाओ इधर, चलो दिखाओ मुंह दिखाओ। क्या करके आया स्कूल से? हिंदी राइम्स। हिंदी राइम्स? कौन सी राइम्स पढ़ी थी? इधर चलो, अरे बता दो। सो गाइस, फाइनली कृष्णा को स्कूल से ले आए थे। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, ये नेल आर्ट आपने खुद नहीं लगाया, झूठ बोलती है। मैंने कहा चलो ठीक है भैया, हम झूठ बोलते तो हम आप लोग को असल दिखा देते हैं। तो नेल आर्ट बनाना बहुत ईजी है, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको जाकर के हर, अगर आप हर भी नेल आर्ट बनवाने जाते हो ना बाहर पर, हर नेल आर्ट का 500 रुपये आपको पे करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बेस कोट लगाया है, नियॉन कलर, ग्रीन कलर है ये। कुछ लोगों के यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि जैसे आपका ये कलर है तो क्या जेल बेस्ड है या फिर कोई अलग सी नेल पेंट है? अलग सी नहीं, नेल पेंट है ये, 925 लैक्मी का ही नेल पेंट है, और मेरे पास में अलग अलग ब्रांड है, ठीक है, शेयर करूँगी। अब यहाँ पर कोट लगाने के बाद से आपको ना इसको 30 सेकेंड या 60 सेकेंड के लिए ड्राई आउट कर लेना है, ठीक है। अब आपका इसमें टाइमर होता है, ये मैंने अमेजोन से ली है, इसका लिंक चाहिए होगा तो प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग परचेज़ कर लीजिएगा। पता क्या होता है, अगर आपके पास में टाइम नहीं है, आपकी बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, तो हफ्ते में एक बार अपने लिए निकालिए, वो भी संडे का टाइम निकालिए, और निकाल करके आप अपने लिए अपना काम कीजिए। जैसे कि आपको अपने बालों की केयर करनी है, नेल की करनी है, या स्किन की करनी है, जो भी आपको करना है ना, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और करने के बाद से आप छोड़ दीजिए, आपका नेल पेंट भी लगा रहेगा एक हफ्ते तक, ख़राब नहीं होगा। और बालों की तो देखो आपको हरी रोज़ करनी होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ हम नहीं लगाएंगे तो हमारे सर पे ना जो बाल बचे हैं ना वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आने वाली जनरेशन में ना सब लोग टकले हो जाएंगे। तो केयर करो भैया, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो या कोई भी हो, है ना, सबकी केयर कीजिए। और केयर करेंगे आप तो आप सबके लिए कर रहे हैं, तो इसलिए आपके ऊपर भगवान की कृपा भी रहेगी, क्योंकि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं तो हमें उसके बदले में क्या मिलेगा। नहीं, आपको जो मिलेगा वो ऊपर वाला आपको दे देगा, खुद ही दे देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का नेल पेंट लिया है, ये भी हमारा नॉर्मल नेल पेंट है, ये है हमारा जूसी ब्रांड का, जूसी ब्रांड है, ठीक है, उस ब्रांड का ये नेल पेंट है। तो यहाँ पर आपको पतले कलर की कह रही हूँ, पतला ब्रश लेना है, और जिससे कि आप अपना नेल आर्ट बनाएंगे तो उस तरीके से आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, जो भी डिज़ाइन बनाना हो आपको, जो भी आपको बनाना अच्छा लगे आप वो बना लीजिए। मैंने यहाँ पर सारा सांप बना दिया है, जो स्नेक्स होते हैं ना वो बना दिया है, ठीक है, टेढ़े मेढ़े बना दिए हैं। और सच में इतना सुंदर लुक आता है नेल का, आपका नेल इतना खूबसूरत लगता है, मेरे वीडियो में आप लोग देखिएगा, जब मैं अपनी वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो उसमें आप लोग को सब कुछ दिखता होगा, ठीक है। अभी मैं आप लोग के साथ में वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, और साथ में मैं प्रोडक्ट्स भी रेडी कर रही हूँ, तो मतलब बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि कोई भी चीज़ इंसान आराम से अस्थिर होकर के कर सके, नहीं, काम चलता रहता है, काम होता रहता है, और वीडियो हमारी बनती रहती है, ठीक है। तो मेहनत लगती है, मेहनत करते रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस हमें मेहनत पे फोकस करना है और अपना काम करते रहना है, काम करते रहो आप लोग, मज़ा आ जाएगा जब आपको रिजल्ट आएगा तो, ठीक है। तो चलो नेल आर्ट कंप्लीट हो गई है, अब हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। अभी शाम हो गई है, 5:30 हो रहा है, और कृष्णा स्कूल से आ गया था, वो क्लिप ऐड करूँगी, और मैं जा रही हूँ कृष्णा को ट्यूशन छोड़ने के लिए। तो अभी थोड़ा सा कुछ खाएगा पिएगा, उसके बाद ले जाऊँगी। लाडो से मिल लो, लाडो से हाय। लाडो सर, मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक। कृष्णा को ट्यूशन से छोड़कर आ गई। बेटा तुम गिर जाओगी, ऐसे क्यों करती हो? देखो कैसे बैठी है, ऐसे बैठोगे गिरोगे। चलो चलो खेलो, दिखाओ मुंह, दिखाओ मुंह, दिखाओ। तो कृष्णा को छोड़ के आ गई हूँ, और अब मैं लूंगी अपना वेट लॉस वाला पाउडर। तो मैंने यहाँ पर पानी रख दिया गर्म होने के लिए, मैं थोड़ा सा गर्म पानी से लेती हूँ, इससे आपको ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं बना करके भी फ्रिज में रखती हूँ, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा भी निकाल लूँ इसको, फिर बात करती हूँ आप लोगों से। ए बिट्टू नहीं, बिट्टू नहीं, बिट्टू नहीं, बिट्टू
अब देख लो आज अलका दीदी ने क्या किया, गैस खोल के चली गई। मैं कृष्णा को छोड़ने के स्टेशन और एक घंटे बाद आ रही हूँ। अभी तो आज तो आग लग जाती मैं घर में, अगर मैं वहाँ से आते ही उसका दूध बनाती तो मैं दूध बनाती हूँ उसका आते ही वहाँ से, है ना। और आज मैंने, चलो अच्छा हुआ कि मुझे महकना शुरू हो गया और मैं बहुत ज़्यादा जिजी नहीं थी, जल्दी में नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑर्डर रेडी कर लिए थे तो सारी टेंशन फ्री हो चुकी थी मैं। और बिल्कुल अभी मेरे जो आउट ऑफ कंट्री से प्रोडक्ट्स के ऑर्डर हैं बस वही बनाने हैं मुझे, है ना। तो आज तो मतलब कल्याण ही होना था, आज आग ही लगना था मेरे घर में। ये तो कहो यहाँ पर पाइप लाइन है, नहीं तो बस भैया आज तो पता नहीं क्या होता, शायद हम लोग होते ही ना, मैं और लाडू ही थे। खैर और दूसरी चीज ये ना कि देखो हमें तो जो होता होता ही, बाकी जो और लोग हैं उनको भी दिक्कत होती है ना। सोसाइटी में आग लगती है या फ्लैट्स में आग लगती है तो धीरे धीरे करके वो पूरे घर में पकड़ लेता है, तो बचा लिया भगवान ने आज बहुत ज्यादा। ठीक है, देखो इस तरीके से इसका बना करके आपको ज्यादा गुनगुना, मतलब ज्यादा गर्म नहीं करना है, इतना करना है कि इसमें आपने जो चीजें डाली हैं वो अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब इसमें मिक्स हो जाए, अच्छे से घुल जाए पानी में, है ना। चलो गाइस मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। मैं ब्लॉग चैनल अभी मैं अपना बना रही हूँ, आज है फ्राइडे और फ्राइडे में मैं अपना पैक लगाती हूँ, मेरा हमेशा नया हेयर पैक रहता है। ठीक है, तो बस आप लोग को रैंडम ही दिखाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे जो वीडियोस चैनल पर शेयर करनी होती है उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना होता है। ठीक है, और हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो हमारी मेंबरशिप लेते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रही हूँ। आप लोग ये मत पूछिएगा कि कौन सा पैक है क्या है, मैं आप लोग के साथ में सब कुछ शेयर करूँगी धीरे धीरे। और ये मेरी यहाँ पर बहुत सारी टी हैं जो मैं यूज़ करती हूँ पीने के बाद, और पीने के बाद से मैं ना इसमें ही रख देती हूँ। फिर क्या होता है कि जब हम पैक बनाते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं और ये ख़राब नहीं होता है। ठीक है, आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रखना है, थोड़ा सा मतलब आप ये जो है ना ये खसखस की जड़ है ये वाली। ठीक है, खसखस की जड़ इचिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे अगर आपको स्कैल्प में इचिंग हो रही है या आपको कहीं पर बहुत ज़्यादा इचिंग की समस्या है तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बस ये चीज़ इसमें डाल रही हूँ और इसको डाल करके पीसेंगे, पीसने के बाद से हेयर पैक में लगा कर फिर मिलती हूँ आप लोगों से। देखो इस तरीके से पैक लगाओगे ना तो ये क्या होता है ना, ये लटकना शुरू हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने अपना मैजिकल पाउडर बना के रखा हुआ है, वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, जिससे कि ये थोड़ी सी इसकी बाइंडिंग हो जाती है और इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। क्योंकि ना देखो जब हम कोई चीज़ लगाते हैं उसमें होता है पानी, वाटरी बेस होता है। ठीक है, तो जो मोटी मोटी चीज़ें होती है वो बालों को पकड़ लेती हैं, बाकी जो चीज़ें होती है वो बालों को छोड़ना शुरू कर देती है। तो लाइक पानी है आपका, तो पानी क्या होता है बहना शुरू हो जाता है हमारा, है ना। तो हमें बस उसी चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें डालना क्या है। तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो लाइक आपका करेले का पाउडर, ठीक है, आंवला पाउडर, रीठा शिका का, ये सबसे बढ़िया जो पाउडर होता है वो होता है दसमूल का, ब्राह्मी का और मोरिंगा पाउडर, या फिर मेथी का पाउडर घर पे बना लीजिए, सबसे सस्ता हो जाएगा। जिनको सस्ते में काम निपटाना है वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं पैक लगा लेती हूँ, इसमें ऐड कर लूँ पाउडर, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। लाडो सो रही है और मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ। ठीक है, देखो लाडो सो रही है और मैं ना डिस्क्रिप्शन ऐड कर रही हूँ, जो वीडियो भी मैंने शेड्यूल करी हुई है तो उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह सब अटैच करना होता है, तो डिस्क्रिप्शन ऐड कर रही हूँ मैं और फिर आप लोगों से मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। कुछ पार्सल्स हमारे आज निकल रहे हैं, कुछ पार्सल्स के ऑर्डर आए हैं, वो बनेंगे फिर निकलेंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम दिया करूँ, जो लोग पार्सल परचेज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, उनको पता ही है कि टाइम लगता है। तो बस मैं आप लोगों से कहूँगी अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए थोड़ा टाइम तो देखो देना पड़ता है, अभी तक आप यूज़ नहीं कर रहे थे तो थोड़ा 10-5 दिन और सही है ना, तो आप लोग को बेस्ट प्रोडक्ट तो मिलेंगे एटलीस्ट। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज़ यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने बालों को वॉश, क्योंकि मैंने पैक लगाया हुआ था, तो पैक लगाने के बाद से क्या है ना कि बाल अच्छे से सूख गए थे। बहुत देर तक पैक नहीं लगा के रखना है, बहुत ज़्यादा देर तक लगा के रखोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी आपको, आधे घंटे रखना है इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं निकाल पाते हैं पैक को। ठीक है, तो क्या होता है कि उनको प्रॉब्लम्स हो जाती है, फिर वो परेशान होते हैं, फिर ये कहते हैं दीदी हमारे तो बाल बहुत झड़ रहे हैं, हमारे बाल बहुत टूट रहे हैं, तो इसलिए। और अभी मैं प्रोडक्ट्स ही बना रही थी आप लोग को, लास्ट में वो क्लिप्स ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत मेहनत होती है, बहुत मशक्कत होती तब जाकर के ये प्रोडक्ट्स रेडी होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखो आप लोगों के जितने लोगों के प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आए हैं सब कोशिश हो रही है कि जल्दी जल्दी बन जाए और निकल जाए, बट क्या होता है ना कि एक दिन में केवल 10 से 12 लोगों के प्रोडक्ट ही रेडी हो पाते हैं, क्योंकि
उसके पीछे भी रीज़न ये है कि बहुत अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई भी चीज़ बना के नहीं रखी जाती है, केवल स्पेशल ऑयल और हमारा थिक हेयर ऑयल, लॉन्ग हेयर ऑयल बना हुआ रहता है, बट वो भी हम लोग ऑर्डर के उस पर बनाते हैं कि जैसे ऑर्डर है तो ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ हम बना के उसको भी रखे, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना वैसे तो हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं रिंस वाटर टोनर और शैम्पू छोड़ करके आप सारे ही प्रोडक्ट्स को 1 ईयर स्टोर कर सकते हो, लाइक आपका स्पा क्रीम है ना, और आपका डे क्रीम है, नाइट क्रीम है, फेस का टॉनिक है, सिरम है, आपका नाइट हेयर पैक है, ये सब चीज़ें आप सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका मिस्ट है, ये सब कुछ आप सेव कर सकते हो, ख़राब नहीं होता है, बस आपका जो हेयर पैक होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, जो आपका नाइट हेयर पैक सॉरी रिंस वाटर टोनर और शैम्पू होता है वो भी आपका रॉ फॉर्म में होता है, क्योंकि कच्चा होता है, क्योंकि जब कच्चा होता है तो आपके बालों में वो रिजल्ट देता है, आपके बालों को और अच्छे से हैवी मोटा घना करने में हेल्प करता है ना, तो इसलिए हम लोग उसको रॉ फॉर्म में ही यूज़ करने के लिए आप लोगों को देते हैं, तो आप लोग जब उसको यूज़ करते हो तो आप लोग को धीरे धीरे रिजल्ट्स आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब थिक हेयर ऑयल ले चुके हैं और उसके बाद कहते हैं दीदी बजट नहीं हो पा रहा है, बट हमें लेना वही ऑयल है, थोड़ा सा रुक करके ऑर्डर करेंगे, थोड़ा सा रुक, मुझे ना इतना खुशी मिलती है कि मतलब आप लोग को हमारे प्रोडक्ट्स इतने पसंद आते हैं, और मुझे यार इसमें डालनी थी वीडियो वेट लॉस वाली, वो चीज़ मैं डाल ही नहीं पाती हूँ, और डेली का जो व्लॉग होता है वो शूट कर लेती हूँ, वो अपडेट कर देती हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग मुझे टाइम दीजिए, मैं आप लोग के साथ में एक्सरसाइज की वीडियो डाल दूंगी, नहीं हो पा रहा है टाइम, क्या करूँ, मैनेज ही नहीं हो पाता है, बिकॉज क्या ना जब बच्चे सो रहे होते हैं तो मैं अपना ये काम कर रही होती हूँ, प्रोडक्ट्स बनाना होता है मुझे इस वजह से, है ना, तो इसलिए, और देखो कृष्णा शायद उठ भी गया है, तो बस वही है कि बहुत सारा काम होता है यार। अब यहाँ पर मैं ना कपड़े सुखवा रही थी हल्का के साथ में, तो कपड़े वपड़े सुखा रहे थे, और अभी देखो मैंने आज कितने लोगों के प्रोडक्ट रेडी किए हैं, नाम बताती हूँ आप लोग, जो लोग ब्लॉग देखोगे तो समझ में आ जाएगा, एक तो अर्चना जी का है जिन्होंने 6 मंथ का पैकेज मंगवाया है, साथ में 3 मंथ्स की मेम्बरशिप ली हुई है, ठीक है, अर्चना यादव, और नेक्स्ट है हमारा कुसुम जी का, इन्होंने हमारा 3 स्टेप सिरम मंगवाया है और लॉन्ग हेयर ऑयल मंगवाया है, ठीक है, उसके बाद से शशि जी का, इन्होंने हमारा स्किन केयर का कस्टमाइज प्रोडक्ट मंगवाया है पूरा कंप्लीट, इसमें है आपका डे क्रीम, नाइट क्रीम, फेस पैक और फेस टोनर, उसके बाद से सत्येंद्र मैम का नाम नहीं याद है, सर का नाम है, क्योंकि वो शुरू से इसी नाम से प्रोडक्ट मंगा रही है, 3 स्टेप सिरम, और धानी का है 3 स्टेप सिरम और आपका लॉन्ग हेयर सॉरी थिक हेयर ऑयल, धानी का लॉन्ग हेयर ऑयल नहीं है, थिक हेयर ऑयल है, ठीक है, कल्याणी जी का है 1800 रुपये की क्रीम यानी एंटी एजिंग क्रीम और 1500 रुपये का आई लैस सिरम, ठीक है, तो बहुत सारे काम, काजल का प्रोडक्ट है ये भी रेडी किया है, थिक हेयर ऑयल, 3 स्टेप सिरम और आपका 1800 रुपये की क्रीम, बनाया लादो का देख तो कितने सुंदर और मम्मा का भी प्यारा बच्चा है, दत्तू का तो लड़ो चीजी चीजी को आओगी, देखो लाड़ो के कितने सारे बाल आ गए, ताकली के ताकली के ताकली के, क्या है क्या है बोलो, दादी आ जाओ, दादू का गल गल पे, दादू ऐ दादी का गले उगल पे, लाडो के पास आ जाओ, घूमी करने आ जाओ, लाडो बाय कर दो, अच्छा दादी को बाय कर के दिखाओ, दादी को बाय करो, बाय दादी बाय, दादू बाय, कृष्णा ए कृष्णा, नो 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 नोजी में हाथ नहीं डालती, नो नो नो, भैया कहाँ है, भैया भैया मैं मानू भैया छोड़ बोला, चलो गाइज मैं थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ, बाय। तो गाइज यहाँ पर मैंने कुछ लिपस्टिक्स मंगाई थी और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कुछ रिजनेबल रेट्स पे आप कुछ प्राइस पे अच्छी सी लिपस्टिक बताइए ना दीदी, बहुत अच्छी होती हैं आपकी लिपस्टिक्स, मेरी लिपस्टिक थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं और मुझे पसंद आई, काफ़ी बहुत अच्छी लगी यार ये वाली, 300 रुपये की आपको 4 लिपस्टिक मिल रही है और इतनी सस्ती यार, मेरे को तो पता ही नहीं था कि इतनी सस्ती भी लिपस्टिक अच्छी आती है, तो कहते हैं ना ट्राई करना चाहिए, सब कुछ ट्राई करना चाहिए, जब आप ट्राई करते हो तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है, पता भी लगता है, नॉलेज भी मिलती है ना, तो मैंने मंगाया इसको और हमें सच में बहुत पसंद आया ये कलर, हमें तो इतना अच्छा लगा कि मैं अब तो इसका 2-3 और शेड मंगाने वाली हूँ, आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी, आप लोग बताइएगा अगर आप लोग को अच्छा लगे, और हाँ पूजा जी वेरी वेरी एक्सट्रीमली सॉरी,
मेरे हस्बैंड ने आज सुबह आपका प्रोडक्ट पैक किया था और मैंने उसमें शैम्पू बना के रखना भूल गई थी, बना रखा था मैंने बट मैंने उसको रखा नहीं था, क्योंकि ना जब हम प्रोडक्ट्स पैक करते हैं तो उसका वेट होता है, ठीक है। तो वेट जब चेक करते हैं तो वेट के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स जाते हैं और सारा कुछ ऐड करना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड ने वेट कर लिया, वेट करने के बाद से कह रहे भैया अब तुम्हारा ये शैम्पू वैम्पू नहीं जाएगा, तुम बात कर लेना मैम से और बता देना उनको कि क्या रीज़न है। मैंने कहा ठीक है मैं बात कर लूँगी उनसे और बता दूँगी। तो आपसे हाथ जोड़कर सॉरी माफ़ी चाहेंगे, जब आप नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करोगे तो हम आपका जो शैम्पू है वो डाल देंगे, ठीक है। तो मैम गलती हो गई, माफ़ी चाहेंगे इस बार, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम आपको भेज देंगे। ये शैम्पू मैं अपनी तरफ से आपको गिफ्ट कर रही थी, आपको पता होगा मैंने आपको बोला था कि पूजा जी मैं आपको एक नया सा शैम्पू भेजूंगी, ठीक है। तो आपने बोला था कि आप बहुत खुश भी हुए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट सॉरी फॉर दैट कि आपका जो शैम्पू है वो आप तक नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि उन्होंने पहले ही पैकिंग कर दी थी, ठीक है। इस वजह से मैंने उनसे पूछा तो आपने शैम्पू नहीं रखा, कह रहे नहीं यार शैम्पू नहीं रखा, मुझे नहीं पता था, क्योंकि ऐसे 499 का वो प्रोडक्ट है आपका, तो उसमें क्या था कि वही प्रोडक्ट था एक और उतने ही की पेमेंट थी, तो उनको उनको लगा कि बस यही चीज़ रखनी है और कुछ नहीं रखना, इस वजह से गलती हो गई, ठीक है। तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। ये लिपस्टिक के शेड्स देख लीजिए आप लोग, इसका फुल वीडियो अच्छे से डिटेलिंग में हमारे इंस्टाग्राम पर पड़ा हुआ है तो वहाँ डाल देंगे। आज हमने क्या क्या काम किया है वो सब चीज़ें आपके साथ में इसी के माध्यम से हम शेयर कर देते हैं ब्लॉग के माध्यम से, जिससे आप लोग को पता हो जाए। और हाँ, आप लोग आज के ब्लॉग में कमेंट नीचे डाल दीजिएगा किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ब्लॉग चैनल पर, वो शेयर कर दूँगी मैं आप लोग के साथ में, ठीक है। क्योंकि ना मैं भूल जाती हूँ क्या शेयर करना है क्या नहीं शेयर करना है, सारा कुछ याद ही नहीं रहता, कुछ भी नहीं याद रहता है ना। और जब आप लोगों से बात करती हूँ तब लगता है कि ये भी शेयर कर दूँ वो भी शेयर कर दूँ, वाह यार आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। अभी मैं ना अनपैकेजिंग क्या बोलते इसको अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, अनपैकेजिंग कर रही हूँ, अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, कुछ चीज़ें मैंने मंगाई थी, ठीक है। तो उसके साथ में ना मुझे मिला है कुप्पी करके, ना कुप्पी बोलते हैं कौन बोलते हैं क्या बोलते हैं आप लोग बताना ज़रूर, और ये बहुत टाइम से मैं ढूंढ रही थी मुझे मिल नहीं रहा था और मुझे आज मिला है ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। क्योंकि ना जब मैं आईलैस सीरम बनाती हूँ या रिग्रोथ सीरम बनाती हूँ या फिर मैं कहीं कुछ चीज़ मुझे पलटनी होती है डालनी होती है, ठीक है, कि कई बार मैं कस्टमाइज एसेंशियल ऑयल भी बनाती हूँ तो उसमें क्या होता है ना हमें डालना होता है, तो हमें ना ये चीज़ें चाहिए होती हैं तो मिलती नहीं है। और ये इतनी सुंदर लगती है, छोटी सी कोन है, आप लोग को दिखाऊंगी मैं, ठीक है, किसी व्लॉग में डालूंगी उसमें देखिएगा आप लोग। और ये ना अगर सिंगल आप लेते तो ये आपको 150-200 रुपए की मिलती है, ऑनलाइन भी मिल जाएगी बट हमें तो मिल गई फ्री में, बहुत अच्छा लगा। मैंने स्प्रे बॉटल मंगाई थी, कुछ हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के ऑर्डर थे इस वजह से। तो ये देखो मेरी ना फेवरेट लिपस्टिक थी, ये सबसे अच्छी लगी थी मुझे इस पैकेज में, और जो सबसे फर्स्ट वाली लगाई थी वो भी बहुत अच्छी थी। चलो आगे मिलते हैं, आप लोग निपट गए हैं, बस अब यहाँ पर मैं कपड़े लगा रही हूँ, ये देखो, और लाडो यहाँ पर पीट कर रही है, ठीक है। तो बस सब लोगों को कपड़े दिखा देते हैं और उसके बाद से मैंने पैक लगाया हुआ था तो पैक वैक का सबका वीडियो आएगा, पैक लगाने का तरीका नहीं दिखाया इसमें, ठीक है, क्योंकि ना वो सब आप लोगों को पता ही है। तो मैं ये कपड़े वपड़े लगा करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। लाडो की अलमारी सेट हो गई है, कृष्णा की सेट हो रही है, तो ये सेट हो जाती है ना तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा कबर्ड वगैरह खोल करके देखना भी अच्छा लगता है। जैसे वीडियो वगैरह शूट होती है तो कभी कभी ऐसी मतलब रैंडम कभी कभी शूट हो जाता है, क्लिप्स आ जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैं ना सेट ही करती रहती हूँ उनको। चलो मिलती हूँ। अच्छे कपड़े में है, नहीं तो निकल जाते ज्यादातर कपड़े। लाडो जाओ, हल्का लाडो का भी शूट करना, कौवा क्या कर ले थे तुम लाडो, क्या कर ले थे, गिर गए नहीं गिले, खड़े हो जाओ लड़ू, तैयार बजा अलका लाडो का शूट करिए। लाडू क्या कर रहा है, लाडू लाडू ए लाडू
जगह भी हो गई। पता क्या करती हूँ, नए नए पैंट है ना उनको साइड कर देती हूँ, किनारे कर देती हूँ बिल्कुल, और जो पुरानी उनको बाहर कर देती हूँ। हम लोग जा रहे हैं कृष्णा को लेने, लाडो भी जा रही है। बब चलो मिलते हैं कृष्णा को लाकर, ब्लॉग भी बहुत जल्दी यहीं पर एंड करेंगे। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि भैया थोड़ा सा सवर लिया जाए, अमर लिया जाए, कुछ नहीं टाइम मिला है। लिपस्टिक भी सब खत्म हो गई है क्योंकि ना मेरी आदत है ऐसे करने की। तो देखो मैंने कितने सारे प्रोडक्ट रेडी किए, ये ऐसे प्रोडक्ट रेडी करती हूँ मैं और रख देती हूँ, नाम लिख देती हूँ जिसका जिसका जो जो पार्सल है, बस इतने रेडी हुए आज, और जिसको जिसको मिलेंगे सब लोग बता दीजिएगा। चलो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मैं जा रही हूँ चाय बनाने, मेरी माता रानी के लिए बनाऊँगी और अपने लिए बनाऊँगी, और फिर चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी, ठीक है। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ मैं। आप लोग को एक चीज़ और दिखाऊँगी, आज नहीं दिखाऊँगी कल दिखाऊँगी, ठीक है। आई और बहुत सारा प्यार दीजिएगा आप लोग अपनी दीदी को। और हाँ, एक मेरी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने, मतलब बहुत सारे से सब्सक्राइबर हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा है, बट उन्होंने बहुत प्यार से मुझे फोकस किया है, बहुत टाइम से वो मुझे देख रही हैं, है ना। तो उनका ये कहना है कि दीदी आपका फेस जल गया था और आपने आज उसको क्योर करके दिखा दिया, सल्यूट है आपको, तो थैंक यू सो मच, लव यू।